नमस्कार शिवम के समझ। आज आपको हम बेसिक चीज हम अपने टीमों को बता रहे हैं जो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए खाना का कोई भी खाना होता है, कोई भी फूड होता है, उसका एक हिस्ट्री होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है, उसका एक अपना एक काम करने का तरीका होता है। अगर आप किसी भी इंग्रीडियंट का काम करते हैं, अंडे का है, उसका एक कैरेक्टर है, वो जमता है और जमा देता है, तो अब इसके आधार पे हम पेस्ट्री बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसको थिकनिंग एजेंट मतलब जमाने वाले काम के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो गाइस कोई भी खाने को बनाने, खाना किचन में स्टार्ट करने से पहले आप उसका ए बी सी डी मस्ट खाने का इंग्रीडियंट की कैरेक्टर और रेसिपी को जरूर समझें। उसके बाद उसके मेथड्स होते हैं जैसे पोचिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, सो बहुत सारे स्ट्यूइंग, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि सिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है तो ही आप लेके अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कुछ जैसे कि कोई भी खाना होता है तो किसको रोस्टिंग में करना है, किसको तवे में बनाना है, किसी को पैन में बनाना है, किसको ओवन में बनाना है, तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये एक बल्क जैसे शेफ क्या होता है, एक प्रोफेशनल लाइन का कुकिंग होता है, एक दो आदमी का नहीं होता, इसमें 1,000, 2,000, 5,000 से लेके 500 से 1,000 से 2,000 तक होता है। तो आप जैसे कुकिंग करते हैं, जैसे प्लेट है, इस पर आप कुकिंग करना है तो अच्छे उस पर कुक करके फटाफट तैयार करके आप एकदम स्टॉक कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुकिंग सिर्फ जानना नहीं है आपको, उसका तरीका, उसके मेथड, उसके इन्ग्रीडियंट्स, उसके यूटिलाइजेस, सबकी जानकारी। जैसे देखिए अभी ये ऑमलेट आप बनाते हैं तो आप कोई आदमी इसको देखिए, मैंने फिर सिंपल थोड़ा सा ऊपर उठाया और सिर्फ हल्का सा ऊपर उठाया, दोनों साइड से थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, और उसके बाद आपने ट्विस्ट किया तो ये क्या हो गया, ऑमलेट आपका तैयार हो रहा है। देखिए ये इजी है, मैं क्या बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं टेक्निक। क्या है टेक्निक, ये देखिए टर्न किया, एक खूबसूरत सा ऑमलेट आपका तैयार हो गया। अगर आपको टेक्निक पता है तो आप अच्छा आराम से बना सकते हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टेक्निक के साथ आपका जो इक्विपमेंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विपमेंट्स के साथ टेक्निक यूज़ कीजिए, टाइमिंग यूज़ कीजिए, खाने के करेक्टर को समझिए, फिर ही आप खाना बना सकते हैं, एक स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, प्लस इन्वेंट भी कर सकते हैं, नए चीज़ को खोज सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। रेसिपीज आप तो जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करेक्टर पता है तो आप देखिए ये पकड़ा, अब आपको टर्न नहीं करना है ना प्लेट से करना है, ये टेक्निक है, जस्ट आपने रखा है हाथ प्लेट, थोड़ा सा टर्न कर दिया, ये देखिए आपका ब्यूटीफुल ऑमलेट एकदम मून के आकार का हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइन खाने को जो मिलाया और डाला, सो टेक्निक्स होते हैं, अंडे का करेक्टर बताया, टेक्निक बताया। कोई नए जनरेशन के शेफ्स जो अभी आ रहे हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, वो चीज झट से कुछ भी करके फेंकना चाहते हैं, नहीं, आप टेक्निक सीखें, उसका टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, आप प्रॉपर उसका टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद टाइमिंग यूज़ करें, टेक्निक यूज़ करें, हर चीज़ को सीखें, खाना बना दें। आशा है कि आप मेरे आने वाले वीडियोस में आपको बेसिक टेक्निक्स भी मैं बताऊंगा। ओके गाइस, टेक्निक सीखें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं, स्टडी करें। खाना एक पैशन का चीज़ होता है, आनंद का चीज़ होता है, लेकिन उसको बहुत सारे टेक्निक्स को, बहुत इंग्रेडिएंट्स को, बहुत सारे चीज़ों को अप्लाई करके नया नया चीज़ में आप उसको मजा ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए गाइस आने वाले सारे वीडियोस में आपको मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।